मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हम अपना चैप्टर 19 भारत का संविधान करेंगे, एसएसटी का। देखो अ पॉइंट राज्य के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसका अर्थ है ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसके कार्य प्रबंध में किसी अन्य का हस्तक्षेप ना हो, यानी कि ऐसी शक्ति, ऐसी कार्य प्रबंध शक्ति, यानी ऐसी शक्ति किसी भी राज्य के पास जो वो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले खुद ले सके, उसमें किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप ना हो। यह शक्ति हर प्रकार के आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकती है। यह ऐसी शक्ति होती है जो अपने आंतरिक और बाहर के मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकती है। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और इस दिन से भारत ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। इस दिन क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और इस दिन से भारत ब्रिटिश सत्ता से पूरी तरह आज़ाद हो गया था, अर्थात उसे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता प्राप्त हो गई। जिस दिन वह आज़ाद हुआ था उसी दिन उसे आंतरिक यानी घर के यानी देश के राज्य में देश के जो फैसले थे और जो बाहर के देश के फैसले थे, यानी कि भारत से रिलेटेड अगर हमारे देश से रिलेटेड कोई भी बाहरी फैसला भी होगा तो वो भी लेने का हक हमें मिल गया जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त होना। फिर नेक्स्ट देखो समाजवादी राज्य। प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु पहले जब संविधान बनाया गया था तो उसमें समाजवादी शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, पर जब 42वां संशोधन हुआ तो क्या हुआ, यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। तब यह शब्द समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जो समूचे समाज के हित के लिए काम करे। समाजवादी का अर्थ होता है ऐसा राज्य जो किस लिए काम करे, समाज के हित के लिए। ऐसे राज्य के सभी नागरिकों को कमाने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देश का धन कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको धन कमाने का अवसर मिलना चाहिए और सिर्फ कुछ लोगों के पास धन एकत्रित नहीं होना चाहिए। इसी को हम समाजवादी राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द भी उल्लेख नहीं था। जब पहले प्रस्तावना बनाई गई थी हमारे संविधान की तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी नहीं था। प्रस्तावना में इस शब्द की वृद्धि भी 24वें संशोधन द्वारा की गई। जब 24वां संशोधन हुआ संविधान का तब इस शब्द को उसमें लिखा गया। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता रहा है, जब से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है तब से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर ही चला है, परंतु इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं था। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि धर्म को प्रत्येक नागरिक का निजी मामला समझा जाए और राज्य इससे तटस्थ रहे। यानी कि जो धर्म है वो किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। अगर वो एक नेता बन जाता है, कोई मुस्लिम धर्म का अगर नेता बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने धर्म वाले लोगों पे ही ध्यान दे, ऐसा नहीं कर सकता वो। अगर ऐसा करेगा तो उसे गद्दी पे बैठने का, उसको सत्ता संभालने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि भारत के धर्मनिरपेक्ष जो नेता होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। इस प्रकार राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, इसलिए जो भारत है उसके सामने सारे जो धर्म हैं वो एक समान है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जितने भी लोग यहाँ हैं उन सबको स्वतंत्रता प्राप्त है धर्म की। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। सरकारी नौकरियां देते समय धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब सरकारी शिक्षा जो संस्था है वहां पर किसी एक धर्म के लोगों के एक धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता कोई धर्म से रिलेटेड पढ़ाया जाए और भाषा सिखाया जाए उसकी,
और सरकारी नौकरी देते समय भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो इसी को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।